हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे AIB 17 रिज़ल्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि AIB 17 का जो एग्ज़ाम है वो 5 फरवरी को हुआ था, और आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिसको रिज़ल्ट के बारे में जानना है। तो देखिए, जैसा कि मैंने बहुत सारी जो वेबसाइट है उन पर सर्च किया, देखा कब रिज़ल्ट आएगा। जेन्युइनली मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो जो ऑफिशियल वेबसाइट हैं ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, वहाँ पर स्टिल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। बट जो कैंडिडेट्स हैं उनके कमेंट्स आ रहे थे कि हमें एक्सपेक्टेड डेट बता दीजिए। देखिए, मेरी तरफ से ये कोई भी एक्सपेक्टेड डेट नहीं है, ठीक है। ये जो साइट्स पर पोस्ट की हुई है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बट र्यूमर्स पर आप लोगों को बिलीव नहीं करना है। ये भी एक रिक्वेस्ट पर वीडियो जो है बनाई जा रही है कैंडिडेट्स की। तो देखिए, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, व्हेन विल द AIB 17 रिजल्ट 2023 बी रिलीज्ड। तो यहाँ पर 9 मार्च तक का एक्सपेक्टेड डेट लगाई जा रही है कि इस दिन जो है रिज़ल्ट की आने की संभावना है। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। और कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों की जो कट ऑफ होती है OBC जनरल कैटेगरीज़ के लिए तो वो होती है 40% की, और 35 रहती है जो SC और ST होते हैं। हाउ मैनी अटैम्प्ट आर देयर फॉर, कोई लिमिट नहीं होती है इस एग्ज़ाम के अटैम्प्ट की, आप कितनी बार भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। एंड मैं आप लोगों को पर्सनली, जिनको भी जो कैंडिडेट्स अपने रिज़ल्ट को लेकर पैनिक है, प्लीज़ पैनिक मत होइए। रिज़ल्ट जो है वो अच्छा ही आएगा, जैसा जिस तरीके से आपने किया है वैसा ही रिज़ल्ट आएगा। तो आप लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और जैसे ही नोटिफिकेशन ऑफिशियल जो भी अपडेट आएगी उनकी तरफ से आप लोगों को मिल जाएगी। एंड आप लोगों अपना रिज़ल्ट को लेकर अपना मतलब टेंशन मत लीजिए, अपना जो आगे फर्दर आप लोगों को करना है उस पर फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को लेकर आप ऐसे बैठे रहोगे कि रिज़ल्ट कब आएगा। आप लोग मतलब र्यूमर्स पर बिलीव कर रहे हो कि आ जाएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे बिलीव नहीं करना है। एग्जैक्ट जो भी अपडेट है वो आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट से ही पता लगेगी। ऐसे तो कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता है कि जो रिज़ल्ट है वो आ जाएगा या कल आएगा या इस डेट को आएगा, ठीक है। ये भी मैंने एक रिक्वेस्ट से वीडियो बनाई है कि एक्सपेक्टेड डेट क्या है। मेरी कोई मतलब मैंने खुद से नहीं बोला, ये जो वेबसाइट पर डली हुई थी, जो अदर वेबसाइट से, वहाँ पर कि 9 मार्च तक जो है एक्सपेक्टेड डेट लगाई जा रही है रिज़ल्ट की। अभी ये ऑफिशियली नहीं है, तो आप लोगों को बिलीव नहीं करना है, ठीक है। तो गाइज़, अब आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो ये बोलेंगे कि क्या यूज़ है इस वीडियो का। तो देखिए, जब रिक्वेस्ट कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट होती है तो एक वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, ठीक है। तो गाइज, होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।